केरल के वायनाड में 29 और 30 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड की 4 घटनाएं हुई थी, जिसमें 4 गांव बह गए थे। हादसे के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला था, जिसमें 2 महिला और पुरुष हैं। ये पट्टाबेटी कुन्नू में फंसे हुए थे। बता दें कि हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 300 के पार हो गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि हादसे के 4 दिन बाद भी 206 लोग लापता हैं। सेना मोबाइल के लास्ट लोकेशन के हिसाब से लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। आर्मी के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीटी मैथ्यू ने कहा कि मुंडक्कई, चुरनमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब केवल डेड बॉडी ढूंढी जा रही है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त को वायनाड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ये हम लोगों का 4th दिन हो गया है यहाँ पे। मतलब कि 3 दिन से तो लगातार हम लोग इसी लोकेशन में आ रहे हैं। जो मलबा है वो उसको निकालने में ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तो जेसीबी ने कल आके हमारी बहुत मदद की तो कुछ बॉडीज रिकवर हो पाई। साथ में हमारे साथ में डॉग स्क्वाड चल रहा है जो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर देता है, बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे देता है कि यहीं पे बॉडी है। तो उसी के साथ में फिर जो वर्कफोर्स हमारे साथ में इंडियन आर्मी, एसओजी, आईआरडब्ल्यू एंड जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं उनके साथ में मिलकर फिर हम लोग मलबा भी क्लियर कर रहे हैं और फिर बॉडीज को भी निकाल रहे हैं। इनका सर्च ऑपरेशन का 4th दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन, वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुंच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहां लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज मोर और लेस एट द वेरी सोर्स ऑफ द लैंडस्लाइड, द फादेस्ट एंड वेयर देयर इज हैबिटेशन। तो यहां पे अभी आराम से आप लोग पहुंच चुके हो, गाड़ियां की हरकत हो चुकी है और जैसे और जो रास्ता है उसको खोला जा रहा है ताकि यहां पर भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुंच सके। जहां हम खड़े हैं ये स्लोप पूरा, यहाँ पे घर थे, दुकानें थी और हैबिटेट था। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो पानी का स्वेल आया था उससे ये घर बह गए हैं और टूट चुके हैं पूरी तरह से। जी बिल्कुल, जहां हम खड़े हैं अभी ये घर का प्लिंथ है जहां पर एक समय पे कोई रहता, 4 दिन पहले यहाँ घर था। तो ये आपका कैमरा अगर आप नीचे की तरफ करें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 100 फुट ऊपर है इस रिवर के बेस लेवल तक। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी का, कितनी तादाद और कितने वॉल्यूम से और कितनी स्पीड से पानी आया होगा। आज हम इस एरिया को हमने और तफसील से और गहराई से सर्च कर रहे हैं। इसको हम 6 जोन्स में बांट दिया है और जो जो फोर्सेस आए हैं उनको हमने अपने अपनी जिम्मेवारी का इलाका बांट दिया है। अभी हमारे पास कुछ एक और साधन है सर्च करने के लिए, जैसे ट्रैकर डॉग, ये स्निफिंग डॉग्स और मिल गए हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट और आ गया है। और जहां जहां शक है कि यहां पर अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई बॉडीज हैं, तो उसकी सर्च में आज कार्रवाई की जा रही है।